जिम के बाबा बताओ मुझे, स्पाइडरमैन के बाबा पहनाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 2 जून का वीडियो है। मेरे जेन का 3rd बर्थडे था माशाल्लाह, और जेन के लिए स्पाइडरमैन का केक ऑर्डर किया था, लेकिन केक डिलीवरी बॉय से डैमेज हो गया था रास्ते में। फिर क्या, हमने कंप्लेंट किया, केक का सब रिफंड मिला, लेकिन बच्चे का केक डैमेज हुआ, तो हम लोग ने दूसरा केक लाने का प्लान किया। और गुलाब जामुन के पैकेट है ना, मैंने लाए हुए थे, एक पे एक फ्री ऑफ़र मिला था मुझे सुपरमार्केट में, और मैं सोच रही थी कब बनाऊँ, तो मैंने सोचा जेन के बर्थडे का मौका है, चलो बनाती हूँ और देखती हूँ जेन खाता है क्या, क्योंकि जेन ने शायद इसके पहले गुलाब जामुन कभी खाया ही नहीं था। हाँ, केक लेकर आओ स्पाइडरमैन का। बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय। इधर ऐसे क्लियरिटी में आते। जेन के बर्थडे के दिन जुम्मा था और जेन सलमान नमाज के लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला आप केक बना कर ही लेकर आओ, और स्पाइडरमैन थीम हमने डिसाइड किया था, तो सलमान बोले ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और जेन को है ना, पूरा वीक में सलमान ने इतने सारे गिफ्ट दिए थे ऑलरेडी उसको, मतलब हम लोग ने सरप्राइज़ देने का सोचे थे, लेकिन सलमान से है ना, मतलब वो बोलते ना पेशेंस ही नहीं उनके अंदर, उन्होंने सारे गिफ्ट्स 2-3 दिन पहले ही उसको दे दिए थे। तो वही वो स्पाइडरमैन सेट के साथ गैलरी में खेल रहा था, वो पूरा सेट उसको गिफ्ट दिया था, उसको स्पाइडरमैन थीम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और सारे गुलाब जामुन ना इसके जैसे बनने चाहिए थे, एकदम परफेक्ट होटल के जैसा ये बना था। स्टार्टिंग के गुलाब जामुन ना शेप वाइज इतने अच्छे नहीं बने थे, बाद के बने, लेकिन टेस्ट में एकदम परफेक्ट ही थे। और मैंने आज खिचड़ी बनाई थी दोपहर के खाने में, क्योंकि हम लोग शाम को खाना खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, तो मम्मी डैडी बोले थोड़ा सा दोपहर में लाइट ही बना, तो इसके लिए मैंने तड़के वाली खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, बहुत अच्छी बनी थी। और जैन को उसको विश करने के लिए उसकी दीदी का फ़ोन आया था, देखो कैसे बात कर रहा है। अभी जैन जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, फ़ोन पे उसने बात किया, उसमें सलमान के जो 2 नंबर भाई है ना, उनकी जो छोटी बेटी आमिना, उसको इतनी पसंद है ना माशाल्लाह, उसको प्यार कर रहा था फ़ोन पे, वो विश कर रही थी। तो और अभी जैन मम्मी के साथ नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह। किसका मम्मा में ये यहाँ का है? नहीं, हाँ का नहीं है, दादू का है ये मम्मा। जिन दादू दादी क्या पढ़ रहे हैं? जैन को ना खुद का नाम नहीं लेने आता, वो खुद को है ना हाँ बोलता है, और नमाज और कुरान शरीफ को फा बोलता है। और अभी हम जुमा वगैरह पढ़ के खाना खाने बैठते हैं, और अभी हम लोग गुलाब जामुन टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बने थे, मम्मी को भी अच्छे लगे, और बहुत दिन चले, क्योंकि डैडी और सलमान नहीं खाते, मैं और मम्मी नहीं खाए, और जैन ने भी फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, स्वीट था तो थोड़ा सा उसने भी खाया माशाल्लाह। तो बने ना, फिर हम लोग ने इतना वेट किया जैन का सोने का, जैन का एंड तक सोया नहीं, फिर डेकोरेशन करने लिया, और डेकोरेशन देख के वो इतना खुश हुआ, बलून वगैरह तो एंड तक वो सोया नहीं। हम मम्मी मैं और सलमान मिलके डेकोरेशन कर रहे थे, और जैन का हैप्पीनेस देखो, इतना एंजॉय कर रहा था ना वो माशाल्लाह। Oh,
फाइनल डेकोरेशन ऐसा हुआ और हवा की वजह से ना बलून्स उड़ रहे थे, स्टेबल नहीं रह रहे थे और मम्मी अभी जैन को चेंज करा रहे। शुशु करेगा ये? दूध डालने का। शुशु करेगा? नहीं नहीं अभी किया उसने, जस्ट किया। जैन ब्लू पहनता ना, लाइट ब्लू, बाद में खाना खाते जाते थे। मैंने ना इस साल जैन को एकदम लाइट वेट कपड़े लिए जो बाद में भी पहन सके, क्योंकि मैंने पहले बर्थडे में ना फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेसेस लिए, तो वो ऐसे ही है अभी तक यूज़ में आए नहीं, तो मैंने इस बार ऐसे ही ड्रेस ऑर्डर किए जो बाद में भी पहन सके। और माशाल्लाह मम्मी भी कितनी प्यारी साड़ी लेकर आए थे जैन के बर्थडे के लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी केक काटने से पहले हम लोग ने कहा कि थोड़े से फ़ोटो निकालें, और मम्मी डैडी के साथ हम लोग ने सब ने फिर बाद में। मैं अभी केक निकाल रही थी ना, तो जैन एकदम बेसब्रा हो रहा था, फ्रिज के बाहर ही खड़ा था, तो उसको बोली पहले जाके उधर बैठ। फिर क्या हो गया ना, मैं जो डैमेज केक था वो भी हम लोग ने रखे कट करने के लिए, अभी वो भी क्या करें ना, और जो सलमान बना के लेकर आए थे खड़े रह के, वो भी ये वाला रखे थे कट करने के लिए। और यही साल का बर्थडे जो जैन को समझ में आ रहा था, मतलब केक वो सब। गिफ्ट लाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, जय जय लो, कैसी है बोलो। यहाँ पे इतने महंगे केक, और मतलब हम लोग ने इतने ब्रांड ट्राई किए, बिल्कुल भी अच्छा अभी तक हमको केक ही नहीं मिला है कोई भी केक शॉप में। क्या है ये? क्या है? हाँ? क्या? अच्छा तू पहले केक खा के देता। क्या चाहिए से? ये ऊपर का चाहिए, लल्लेबू को खाता है। जैन ना स्पाइडरमैन को लल्लेबू बोलता है, तो लल्लेबू का केक लल्लेबू ऐसा बोलता है। अभी केक कट हुआ, अभी मैं सब केक वगैरह सब अच्छे से फ्रिज में रख रही हूँ डब्बे में पैक करके।
अभी केक कट करके हो गया, ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग निकल रहे थे खाना खाने के लिए। फिर जैन को भी मैंने ये वाला भी ड्रेस मंगाई थी बर्थडे के लिए, तो मैंने ये भी पहना दिया उसको। कहाँ जा रहे हैं? मॉम खाने होटल में। हैप्पी बर्थडे जैन, हैप्पी बर्थडे करो। दादा जाई होटल। देखो दादू भी कर रहे हैं आपको। थैंक यू जैन। चलो वो गले पड़ा, देखो थोड़ा भी वॉक नहीं करता। तुम्हारी ना? हाँ अभी अच्छा लगा था जरा। जिन जिन बुरी आ रही है। जैन किधर से आ रहा है? लोकेशन जैन बैठ गया मेरा। जैन पापा बहुत खारा बनाया। नीचे नमक मत हिलाओ फिर। नीचे नमक तुमने नीचे का ही पिए डैडी। एक्चुअली डैडी को ना स्वीट एंड सॉल्ट लेमन सोडा नहीं मंगाए थे, सिर्फ सॉल्ट मंगाए थे क्योंकि उनको शुगर है। और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट नमक वाला ही सिप मारा। नमक डिसॉल्व नहीं हुआ था तो बोल रहे थे बहुत खारा है करके। तो हम लोग का डिनर हो गया, हम लोग घर पर आए और जैन देखो अभी बलून कैसे फोड़ रहा है, इंजॉय कर रहा है मस्त माशाल्लाह। और जैन का बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, उसके दादा दादी थे माशाल्लाह। डरता नहीं है इनको, जगह हो गई। जैन अभी इधर के ऊपर के माशाल्लाह। आराम से, तुझे लगेगा स्पून लगेगा। हाथ में पकड़ बलून। हाँ अभी मार, पकड़ो। हाँ मारो मारो, उसको आवाज नहीं थी। हाँ अभी मार, अल्लाह उसको चम्मच अटका। अल्लाह हाइट नहीं जाती है। रुक मैं निकाल के दीजिए। अभी इधर पापा को। वाव ये तो। अभी मैं आपके साथ जैन के फर्स्ट एंड सेकंड बर्थडे के कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। और तभी हम मुंबई में थे और थर्ड बर्थडे हमने यहाँ पे बैंगलोर में सेलिब्रेट किया।